गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद से 1984 के दंगों पर सियासत छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज ने इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में कितने दंगा पीड़ितों को न्याय मिला है ये पूरा देश देख रहा है, जानता है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 7 नवम्बर को बस्तर संभाग की 12 सीटों में मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच में शनिवार को बस्तर लोकसभा के सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर से बस्तर के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के संकल्प शिविर में हिस्सा लेने के अलावा कार्यकर्ताओं से भी जरूरी बैठक करेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी यही करेगी, छत्तीसगढ़ में भी यही करेगी। देखिए, हम लोग का स्टैंड क्लियर है। हमारा स्टैंड हिमाचल प्रदेश में भी क्लियर था, हमारा स्टैंड कर्नाटक में भी क्लियर था, हमारा स्टैंड एमपी में भी क्लियर रहेगा, हमारा स्टैंड छत्तीसगढ़ में भी क्लियर रहेगा। चुनावी वादे रहेंगे, जो जनता के लिए हम काम कर सकते हैं, जो जनताओं को वादा हम पूरा कर सकते हैं, जो जनता के लिए सरकार बनने के बाद हमारी सरकार बेहतर कर सकती है, उन वादाओं को पूरा करेंगे। ना कि हम 15 लाख दे देंगे, ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ना कि हम मोदी टाइम हम तो आय दोगुनी कर देंगे, इस तरह के हम वादा नहीं करेंगे। लेकिन जो बेहतर हो सके प्रदेश के हित के लिए, कांग्रेस पार्टी वादा करेगी और उसमें निभाएगी।